नमस्ते सतरीकाल आदाब, मैं सुलेखा गढ़ेवाल एंड द पेंटिंग मैजिक में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आई एम बैक इंदौर एंड आज हम करने वाले हैं जो मैंने कि आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, लास्ट की लास्ट वीडियो में, कि मैं एक छोटा सा कैनवास लेके आई थी जिसके लिए मैंने पेंटिंग नहीं सोची थी, तो मैंने अभी उसके लिए पेंटिंग भी सोच लिया और आज हम उसी छोटे से कैनवास पर पेंटिंग करने वाले हैं। और आज मैं वो चीज़ करने वाली हूँ जो मैंने अभी तक नहीं की है, मीन्स कि मैंने एक्रेलिक कलर कैनवास पर अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो आज हम कैनवास पे एक्रेलिक कलर्स के साथ करने वाले हैं और एक बहुत ही प्यारा सा स्टिल लाइफ मिनिएचर में करने वाले हैं, तो कैसे मज़ा आएगा। एक्चुअली ये थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग भी होगा क्योंकि डिटेल्स मिनिएचर्स में डालना और वो भी एक्रेलिक कलर्स के साथ, जिसे कि मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है कैनवास पे, तो चैलेंजिंग भी है, बट देखते हैं हम कितना सक्सेस हो पाते हैं इसमें। और गाइस, तो ये है वो कैनवास कि मैंने इस पर थोड़ा सा रफली ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स जाने वाली हैं जो कि मैंने अभी तक नहीं डाली हैं क्योंकि मैंने सोचा मैं डायरेक्ट ही इसमें डिटेल्स दूँ कलर्स के साथ। अगर मैं इसमें पेंसिल से डालूँ फिर छोटा छोटा सा तो होगा ही, अगर मैं इसमें पेंसिल से डालूँ एंड देन मैं उसको वो करूँ तो ये नहीं होगा, तो मैं डायरेक्ट ही इसमें कलर्स से करने वाली हूँ। तो ओके, और ये मैंने रफली ही ड्रॉ किया है, इस पर भी डिटेल्स जाएंगी अभी, शेड्स जाएंगे। अरे यार, बहुत साउंड हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, हमारा घर ही रोड पे है। हाँ, तो बाइक से चलती होती है तो आवाज़ आती है, दिन में भी और रात में कुत्तों की आवाज़ आती है और दिन में गाड़ियों की आवाज़ आती है। अब मैं कहाँ जाऊँ वीडियो बनाने। ओके, तो अपार्ट ऑफ दिस अभी हम इस पर पेंटिंग करते हैं। एंड गाइस, जिस किसी ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, बिकॉज अभी बहुत ही बढ़िया सी सीरीज आने वाली है इस चैनल पे। जी हाँ, मैं अभी एक फिगर स्टडी करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं उस सारी सीरीज़ को एक एपिसोड बाय एपिसोड बना के अपने चैनल पे पोस्ट करूँ, तो वो बहुत जल्दी होगा। फिलहाल अभी हम इस पर काम करते हैं। ओके, सो गाइज, ये है हमारा रेफरेंस एंड जस्ट लुक एट दीज डिटेल्स। इनको मिनीचर्स में डालना, इट मीन्स कि वी आर चैलेंजिंग आर सेल्फ। तो चलिए अपने आप को चैलेंज करते हैं। और इसका जो बेस कलर है वो मैंने रेड में हल्का सा ब्लू मिला के बनाया है, जो कि एकदम अनार वाला फील दे रहा है। तो अभी मैं सबसे पहले इसमें अपना बेस कलर लगा लूँगी एंड देन जो भी है, जो भी इसके डार्कनेस एंड हाईलाइट्स है उसको मर्ज कर, वो कलर्स लेके उनको इसमें फिर से मर्ज कर लूँगी। ओके, तो इस तरीके से मैं उसको रियलिस्टिक फील देने का ट्राई करूंगी। और यहां पर मैंने उसी चीज को पेंसिल से मिनिएचर में बनाया था। और जो मैं वो चीज़ बोल रही थी ना कि जो भी शेड्स होंगे और उन कलर्स को पिक करके जो बेस कलर है उसमें मर्ज कर देंगे, तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, जैसे कि एकदम रियलिस्टिक फील आए और कहीं से भी हमारा ब्रशेस के स्ट्रोक्स ना देखें और ये कहीं भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ना देखें, इसलिए मैं अगेन बेस कलर लूँगी एंड जो भी डार्क शेड्स फील होंगे उनको लूँगी और मर्ज करूँगी। और जब हम अनार बनाते हैं या किसी भी चीज़ को बनाते हैं ना, तो उसमें 2D शेप बेसिक शेप्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तो देखिए, इसमें भी सारे 2D शेप जो है ना, स्क्वायर है, पेंटागॉन है, हेक्सागॉन, सर्कल, ये सब हमको इसमें फील हो रहे हैं। देखिए, सर्कल तो अलग ही फील हो रहा है, तो वहीं पे पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ये सब चीज़ें भी हमको इसमें देखने को मिल रही हैं। तो जब हमारे 2D शेप की अच्छे से स्टडी होती है तो हम किसी भी चीज़ को 3D में करने में और भी ज़्यादा अच्छे से हम उनको कर पाते हैं, बिकॉज कि हमारी उन चीज़ों की स्टडी है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ भी शेप जो होते हैं ना, जो भी 3D होती है या स्टिल लाइफ होती है या पोर्ट्रेट्स होते हैं, वो सब इन्हीं शेप से कहीं ना कहीं बने हुए होते हैं। तो उन शेप को हमको अपने जो भी पेंटिंग हम कर रहे हैं उसमें इमेजिन करना है, उनको बनाना है और उनको ही उसमें उसके स्ट्रक्चर्स को उसमें डालना है। एंड देन देखिए आप, सिर्फ जस्ट अ बेसिक शेप ही बहुत कुछ कर जाते हैं। एंड हियर आई एम डूइंग लाइक जो
अनार में वो वाइट वाइट जो भी फील होता है ना, थोड़े से टेक्सचर्स तो वो दे रही थी। यहाँ पर मैंने एक पम्पकिन की पेंटिंग की थी, तो उस पर ना उतना वार्मनेस फील नहीं हो रहा था उस टाइम मुझे, और जिसे मैंने कि ऑयल पेंट से किया था, तो मैंने पहले उसे ड्राई होने दिया। एंड अब मैं उसमें थोड़ा सा एक्राइलिक कलर से थोड़ी सी वार्म्थ डाल रही हूँ, जिससे कि वो और अच्छे से हाईलाइट हो और एकदम खिलके आए। तो यहाँ पर ये करने के बाद एकदम वो खिलने लगा है। देखिए, जो चीज़ मुझे फील नहीं हो रही थी, वो मैंने जैसे ही एक्राइलिक कलर का येलो कलर यूज़ किया, तो वो चीज़ मुझे फील होने लगी। सो गाइज, अभी तक जिस किसी ने भी ये पेंटिंग नहीं देखी हो, इसका वीडियो नहीं देखा हो, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिए कि हाउ आई मेड दिस पेंटिंग। Okay, let's start to make one of the toughest part of this painting, and that is वो अनार के बीज बनाना एंड जो पोमोग्रेनेट्स में जो छिलका लगा होता है ना, वो बनाना। सीरियसली, वो उसको बनाना, उसमें भी एकदम आप अगर आप उसको भी डीपली देखोगे ना, तो उसमें भी डायमेंशन शेप्स होते हैं, तो उनको बनाना लाइक, और वो भी इतने मिनीचर्स में बनाना। एंड गाइस, मिनीचर्स में काम करना लाइक वी आर चेकिंग आवर सेल्फ कि हाउ मच पेशेंस यू हैव एंड ऑल्सो हाउ मच यू आर कंट्रोल्स इन योर हैंड्स। तो ये दोनों चीज़ का हमारा जो टेस्टिंग होती है मिनीचर्स में काम करने से बहुत अच्छे से पता चीज़ चलती है, बिकॉज मिनीचर्स में डिटेल्स देना इट्स रियली टू टफ। एंड अकॉर्डिंग टू मी, वेन एवर यू वॉन्ट टू टेस्ट योर सेल्फ, सो यू कैन डू मिनीचर्स आर्ट वर्क, दे गिव यू ट्रू रिजल्ट। तो गाइस, हम सेम इसी तरीके से उसके जो सेकंड पार्ट है, सेकंड टुकड़ा है, उस पर बीज बना लेते हैं। जब तक आप एक नज़र इस पर डाल के आइए, जिसे कि मैंने जब मैं लास्ट नाइट इंदौर आ रही थी, तो मैंने ये स्टेशन पे 10 मिनट के अप्रॉक्स मैंने इसको स्केच ड्रॉ किया था लाइव। तो आप बताइए इसे कैसा लगा, बट मैंने उस एट दैट टाइम मैं इस पर सेट्स नहीं डाल पाई थी। तो अभी देखिए, मैंने इसके नेक्स्ट डे घर आके मैंने इस पर सेट्स डाले हैं, बिकॉज सेटिंग के बिना मुझे चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती, उतनी अच्छी खिलती नहीं है, बिकॉज वो 3D लुक नहीं आता है। तो मैंने इस पर सेट्स डाले अभी घर आके, तो आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा क्विक स्केच।
सो गाइस शाम होने के कारण हमें कलर्स के शेड्स उतने समझ नहीं आ रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट हम कल करेंगे।